बीज बेचने वाले ने बीज बेचा, खाद बेचने वाले ने खाद बेची और स्प्रे बेचने वाले ने स्प्रे बेची, परंतु अब किसान क्या बेचे, क्योंकि जिस प्रकार आप फसलें देख रहे हैं, किसी एरिया में चले जाइए इतनी खराब हो रखी है 80-90% कि उनमें जो खर्चा लगाया, खर्चा तो दूर की बात, उसका ब्याज भी पूरे नहीं होने वाला। नमस्कार साथियों, हिसार पलपल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है आदमपुर हल्के के गाँव बोडिया में। आप जिस प्रकार देख रहे हैं, जो नरमे की फसल है वो पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है और इसके जो ये डिंडू लगे हुए हैं, डिंडू बोलते हैं, फल बोल लीजिए इसे, किस प्रकार से ये गड़ा हुआ है, क्योंकि इसका अभी तक टाइम नहीं आया। जिस समय इसकी बीमारी आई है उससे, उसके कारण ये समय से पहले ही आ गया है और इसके साथ साथ इसके पत्ते भी है काले पड़ गए हैं और जो इसकी शाखाएं बोल लीजिए इसके, ये इस प्रकार से ये हाल है इसका। और डिंडू है, डिंडू बोलते हैं, डिंडू का तो और भी बहुत बुरा हाल है इनका, ये देख लीजिए आप। तो ऐसे में किसान करे तो करे क्या और क्या बेचेगा, तो आइए किसानों से बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कितनी एकड़ फसल खराब हुई है जी गांव में? एकड़ तो कम से कम है, तो गांव की खराब है 700-800% मतलब खराब है चुकी। 80% तो बिल्कुल ही खराब होगी, 20% किसी के है, तो अगर 20 मण नरमा होना था वो 12 मण नरमे में रह गया, जो कवानी पे मेरा बढ़िया नरमा है भाई, जबकि बढ़िया खड़े है कोई वो है भी मेरा बढ़िया है भी, मेरा 40 मण नरमा हो जी बी, मैं 12 मण नरमा हो जाए तो ठाक होनी, बाकी नरमे में नो धा पर घाटो है, क्योंकि मैं तीन तीन पानी लागड़ है मोल का, 2500 में किलो पीड़ो है, 5000 में बिजाई ओड़ी है, ओ नरमो आ सिचुएशन है 11वें महीने की लास्ट में आनी, और आ ये 9वें महीने में पहला होगी, इन हालात बहुत खस्ता है। और किसान वो किसान है जो भी वो किसान यो किसान मतलब एक एरियो पूरा खत्म ही गयो, ओ ही तू शुरू कर लियो लास्ट तक एकदम खत्म है वो पूरा सारो। आपकी कितने एकड़ में थी? हमारी यहाँ पे होगी कम से कम 4 एकड़ तो हमारी यहाँ खराब हो रही है, और बाकी दूसरे लगभग पूरे बोडिया की 80% फसल खराब है। 80% एक एकड़ में लगभग कितना खर्चा लगा आपका? एक एकड़ में मान के चलो 20,000 रुपये खर्चा है, 20,000 रुपये नरमे पे अब खर्चा इसी टाइम है लगा चुका है, 20,000 रुपये खर्चा अब लगे, और अब आज की सिचुएशन में अगर 5,000 और लगना है, क्यों? क्योंकि इसको साफ करके सरसों भिजवानी है, किसान का दिल नहीं मानता वो तैयार करवाएगा यो नरमा है। अब यो वैसे क्या होता है, जो चुगारा है वो ही नरमा ने छोड़े करा है, अब की बार जी ने छोड़ दी तो किसान तो मैं बेलो ही आता है, बाहर नहीं कर देगा मैं। तब पहले कभी पेश है इस प्रकार से फसलें खराब हुई है? एक दो बार हुई है। अच्छा जी, तो उसका मुआवजा या बीमा कोई मिला है आपको? बीमा तो कराते थे, मिला कुछ नहीं। एक और जी, और मुआवजा किसान करा है, जो फसल बीमा है बी अंदर है, सिर्फ दो ही चीज पे काउंट करा है, एक सूखो और एक बाढ़, बे दोनों का दही होने वाजी। और दूसरी बात, बीमा फसल बीमा हुआ जुलाई के लास्ट में, नरमो बीजा चौथे महीने में, चौथो पांचवो छठो और सातवो, अगर 4 महीना जो फसल खराब हो जाए, 4 महीना में किसान मान लो चालो 15,000 रुपया लगा देंगे ऊपर, तो 4 महीना भी फसल को धनी कौन है। और बी अंदर दो ही चीज हवा, मेरे इंश्योरेंस कंपनी का ही पतो करो है, एक सूखो और एक बाढ़, ओलावृष्टि भी अगर मतलब फसल पकड़ी है तो भी मैं काउंट हुआ है, तो फसल बीमा एक एक फालतू मैच चुनावी स्टंट है, भी मैं कहीं आनी जानी को नहीं है, अंधा पर फद्दू बनाने की चीज है वा, जिसकी अब तो कीमत 450 से 1650 कर दी, अब 1600 अब वो गलत है, बिना मतलब वो और लग गए जेब से, जेब उबे लोग तो फसल भी नहीं कर रहे हो। सर जी, मेरे को 5 साल हो गए काश्त करते हुए, 7 एकड़ में काश्त करता हूँ, 95% नरमे की फसलें खराब हो चुकी है, 1 एकड़ में हमारे 20,000 रुपये खर्चा आ चुका है, अब बिल्कुल 5% फसलें बची है, सरकार कहती है कि 10% खराब, मैं कहता हूँ 95% खराब हो चुकी है, अगर ये बची है ना इसके ऊपर भी हमारा खर्चा लगेगा, क्योंकि इसकी तैयार करनी पड़ेगी अगली फसल के लिए, जमींदार बिल्कुल जीरो गया, कोई अज्ञात नामक बीमारी थी, इसने पता ही नहीं चला क्या बीमारी थी, पूरे गाँव की फसल चौपट करके रख दी है, अब सरकार से मांग करते हैं कि हमें तुरंत गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिया जाए किसानों को, ताकि किसान भाई अपने पालन पोषण कर सके जीवन का। जी नरमे की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई। कितने एकड़ में थी? 2 एकड़ में। 2 एकड़ में तो खर्चा कितना लगा? 110 लाख ठेके ले रखे है, उसमें भी ठेके किस रेट से लिया? 60,000 रुपए में। 60,000 रुपए 25,000 खर्चा लग गया, लगभग 1 लाख के करीब 1 एकड़ पड़ गई। हाँ, तो बचने वाला भी कुछ है? कुछ नहीं है, बचने वाला। इससे पहले भी कोई फसलें खराब हुई है? हाँ जी, फसलें खराब हुई है इससे पहले इतनी ज्यादा? नहीं नहीं जी, इससे ज्यादा तो नहीं हुई, अभी हुई है उतनी। और जो नरमे की फसल है उसके अलावा और भी कोई फसल खराब है? सब है जी, सब मूंग बाजरे सारी है। मूंग में क्या दिक्कत है? मूंग पीला हो गया, पीला गया लट्टा अंदाजी को फसल। मेरे पास है सिर्फ 2 एकड़ जमीन,
दोनों महेंद्रमा 35,000 रुपया खर्चो लाग चुके है। अभी उसके अंदर है 2 क्विंटल भी मंडी नहीं जाएगी। दूंगा 3200 रुपया मेरा वो काट चुका है। अभी भी समाधान है, थे करो बीमा ना करवाओ मारो। अभी के बेचा टाबर बेचा तो कोई लायक होनी और कोई साधन नहीं कोनी। पूरी पूरी साफ है, अरबो साधन है, सिर्फ 2 एकड़ है और कोई कनाली ऊपर कौन मेरे कने। अरबा हगले ही खत्म है कि ना कि करा थे बताओ। बिजाई कहूँ करा कणक की, भाई साहब ऐसे है पूरे गांव की पूरी 100% फसल खराब है। आपकी इतने एकड़ में थी? मेरे 10-12 एकड़ में है नरमा, बिल्कुल खराब है, बिल्कुल 100%, कोई चुगने वाला भी नहीं आ रहा है। हाँ, उचित मुआवजा दिया जाए। तो क्या कुछ चुगन लकड़ी का क्या चुगेंगे इनका? लकड़ी लकड़ी बची है बस, ओनली लकड़ी। हाँ ठीक है भाई साहब, के सरपंच सुभाष टाटा जी मौजूद है, इनसे बात करते हैं फसलों को लेकर। इनका क्या कहना है, उन्होंने अपने जो स्तर पर है क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या कुछ हो सकता है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो अभी गांव में फसलें खराब हुई है, लगभग किसानों का कहना 80-90% फसलें खराब हुई, तो आप कितने सहमत हैं? मेरा तो यही कहना है कि जो हमारे गांव में जो नरमे कपास की जो फसल है 100% खराब हुई है। और पहले तो जो 9 महीने की 15 तारीख के करीबन उखड़ा था, तो फिर भी चलो नरमा 15-20 मिनट की लगा हो जाता था, लेकिन इस बार तो 8 महीने की 15 तारीख की जो नरमे की फसल है वो बिल्कुल 100% खराब हो चुकी है। इसके लिए हम तो यही कहते हैं कि जिन भी भाइयों का ये तो फसल का बीमा कराया हुआ है उनके 100% मुआवजा मिलना चाहिए। आपकी भी खराब हुई है खुद की? मेरे बिल्कुल नरमा, मैं जमींदारी हूँ, नरमा मेरा आपके खराब हुआ है, 4 किले के अंदर नरमा है। अच्छा। तो इंश्योरेंस भी कराया हुआ है लेकिन 100% खराब हो चुका है। तो आप गांव के मुखिया हो, इसके स्तर पर आप क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? हमने तो गांव के मुखिया होने ना तो डीसी साहब से मिले, हमने एक लेटर भी फेसबुक व्हाट्सएप पर डाले, भैया हमने डीसी साहब से मुलाकात की और डीसी साहब को आज से 10 दिन पहले भी कहा भाई हमारा इस तरह का जो जमींदार एरिया है सारी फसलें खराब हो चुकी है, हमें मुआवजा दिलवाया जाए। तो सर परसों जब शिक्षा मंत्री आए थे कोड़ी, तो वो कह रहे थे कि हमने पिछली बार भी जो किसानों को काफी मुआवजा दिया है, 1 करोड़ रुपए दिए है, तो उस पर आप कितना सहमत हैं उस बात? मुआवजा तो पीछे मिला है। अच्छा जी, मुआवजा मिला है, जो चीज हमें मिली है उसके लिए हम ना नहीं करेंगे। अच्छा जी, तो वो अब भी वादा करके गए थे आगे आने वाले थोड़े समय में किसानों को जो बीमे की राशि है वो मिलेगी जो स्पेशल गिरदावरी से, उसके स्पेशल गिरदावरी से। देख फसल हमारी खराब हुई है, खराब हुई भी है आपके सामने है बिल्कुल, नरमा 2 मिनट या 5 मिनट की लगे भी नरमा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो कहते हैं कि स्पेशल गिरदावरी के लिए हम डीसी साहब से मिले थे, जो फसल खराब हुई है तो हमें फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। ठीक है सर, ये जो आप फसल देख रहे हैं बोडिया गांव की सबसे खराब फसल है और बताया जा रहा है इस जो इस जमीन को है किसान ने ठेके पर ले रखा है। किसने लिए ठेके पर? किस रेट पे लिया जी? क्या रेट पे लिया? 30,000 रुपया किलो। खर्चा कितना लगे? खर्चा मिला गया 20,000। 50,000 रुपये? 50,000 रुपया पड़ गया। मेहनत जिम्मेदार मेहनत करा हूँ के बेचू। देखो इन्होंने जो ठेके पे लेके ये खेती बोई है 30,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये ठेके पे ली हुई जमीन है और 20,000 से 25,000 रुपये किसान के इसके ऊपर खर्चा आ गया और 1,600 रुपये प्रति एकड़ का सरकार ने इनका बीमा काट लिया और किसानों की सुध लेने वाला अभी तक कोई नहीं आया इधर। तो आपके सामने ये फसल लगभग 100% ये फसल खराब हो चुकी है। तो सरकार से हम तो यही मांग करते हैं कि किसानों के पास कुछ नहीं बचा है, किसानों की सुनवाई करें और किसानों को 90% के करीबन मुआवजा दिलाया जाए। तो 50,000 रुपये प्रति एकड़ की मुआवजे की हम मांग करते हैं सरकार से भी, 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा सरकार हमें दे। तो हमारी सरकार से ये प्रार्थना है कि किसानों की सुध ले और किसान का साथ दे। अगर किसान सुदृढ़ नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा? आज अर्थव्यवस्था का क्या हाल है इसकी वजह से है, असंगठित अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि के ऊपर टिकी हुई है और कृषि दिन प्रतिदिन घाटे का सौदा होता जा रहा है। तो किसान कहाँ से उपज पैदा करेगा? किसान के ये जो ताऊजी लग रहे हैं इन्होंने 6 महीने जो नरमे की खेती है ना, 8 महीने की खेती होती है, तो 6 महीने से ये लगे हुए हैं और इनके पल्ले बचा कुछ नहीं है।
तो ये क्या करेंगे बताओ? ब्याज भी भरेंगे। हाँ, इनका जो फसल का ठेके का ब्याज का आगे ये किस तरह अपना पालन पोषण करेंगे, किस तरह अपना परिवार चलाएंगे? तो सरकार से मांग है कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दे। किसानों से बात की तो किसान जिस प्रकार बता रहे हैं और आप देख भी सकते हैं कि इसमें जो नरमा है, इसमें जो बाकी खर्चा लग गया तो लग गया, इसको जो हटाएंगे वो चुगाई का मान लीजिए या लकड़ी का है, क्यों आगे की बिजाई करने के लिए, तो उसमें 5,000 रुपये और भी खर्चा लगने वाला है प्रति एकड़ से। तो अब किसान बेचारा करे भी तो करे क्या, क्योंकि जो इसकी जो आमदनी का जरिया है एक सिर्फ खेत होता है और खेत में इस बार कुछ नहीं हुआ है, और जो मुआवजा है यानी कि बीमे की राशि है वो सिर्फ जो ओलावृष्टि सूखे और बाढ़ है उसकी दो चीज़ों का मिलता है, बाकी इन चीज़ों का कोई बीमा नहीं मिलता। तो सरकार से इनकी यही मांग है कि जो इनको उचित से उचित जो इनके बीमे की राशि है, जो इनको बीमे की राशि काटी गई है उसके हिसाब से इनको इसकी भरपाई की जाए, क्योंकि कुछ जो जमींदार है या किसान कह लीजिए उन्होंने ज़मीन ठेके पर ली है, 60-70 हज़ार रुपये ली है, किसी ने 30,000 लिए, 35,000 लिए, तो उस पर 20-25,000 रुपये खर्चा रखा है, जिसने 60,000 रुपये अगर अपनी पसंद ठेके पर ली है तो उसका 1,00,000 रुपये प्रति एकड़ 1,00,000 रुपये बहुत ज़्यादा होता है जो खर्चा बनता है, और वो उसमें जब उसकी जो रिजल्ट आएगा तो उसका 5,000 रुपये या 10,000 रुपये उसमें 1,00,000 रुपये का तो ब्याज ही पूरा नहीं होगा। तो सरकार से इनकी यही मांग है कि इनको बीमे की राशि है दी जाए और इनका उचित प्रावधान किया जाए। जय हिंद, धन्यवाद।